मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से। कलेक्टर ने लगाई जिला शिक्षा अधिकारी को फटकार। इंदौर मंगलवार जन सुनवाई में एक ऐसा मामला आया जिसको सुनकर इंदौर कलेक्टर इलिहा राजा टी भी सुनकर अचंभित हो गई। मामला यह है कि रवि प्रताप सिंह भदौरिया पिता आनंद सिंह भदौरिया उच्च माध्यमिक शिक्षा पद पर परस्त हैं, लेकिन उनको पटवारी का वेतन दिया जा रहा है। कई बार वह जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन दे चुकी हैं, लेकिन उनकी 15 महीनों से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारियों को काफी समय से टाल मटोल कर रहे थे। अंत में आनंद सिंह भदौरिया ने जन सुनवाई में आने का निर्णय लिया। कलेक्टर साहब से मिलने के बाद उनको आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, और उसके बाद कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को फटकार लगाई और जल्द से जल्द काम करने का आदेश दिया। इंदौर से योगेश दुबे की रिपोर्ट। आज तो अभी सब साहब ने डाटा था, वो कह रहा है कि हम दिखवाएंगे। पहले कुछ नहीं, क्या आप दिखवा लेते कि करवा देंगे? ऐसा कैसे हो गया? इतने दिन से नहीं मिला, निर्धारण नहीं हो पाया। हमने भी अब आपको देखिए तो आप देखिए नहीं, आप अधिकारी आप जगह तो हम देखिए नहीं। मामला क्या है पूरा? पूरा मामला ये है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर हमारे बच्चे का चयन हुआ। वो पहले पटवारी का सोनकच देवास में, तो 13 अक्टूबर 2021 में उसने ज्वाइन किया यहाँ कोदरिया उमावी में, और उस समय से आज तक वेतन निर्धारण नहीं हो पा रहा। उसको वेतन कार्ड दिया जा रहा पटवारी का, वही जो वहाँ से एमपीसी आई थी, वो पटवारी का वेतन दिया जा रहा है। जब वो काम नहीं कर रहा पटवारी का, उसका इंक्रीमेंट भी जुलाई में लगा दिया। भाई क्यों लगा रहे हैं तुम इंक्रीमेंट? है उसका वेतन तो उच्च माध्यमिक शिक्षक का आपको निर्धारण करना, वो आज तक नहीं किया। कितना समय हो गया? 10-15-16 महीने हो गए, अक्टूबर से पड़ा हुआ है ऐसा, 2021 से। आज आप कलेक्टर से मिले, क्या उम्मीद मिली? कलेक्टर साहब से मिले तो आशा करता हूँ कि जरूर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं स्वयं मॉनिटरिंग करूँगा इससे, इसमें क्या टेक्निकल समस्या है, कहाँ ऐसा आ रहा है। जबकि और उसके साथ के जो उच्च माध्यमिक शिक्षक वहाँ ज्वाइन हुए, उनको बराबर वेतन निर्धारण भी हो रहा है और सब निकलने लगा उनका सर, लेकिन इसका आज तक नहीं किया। जानबूझ करके बीओ आरण अधिकारी वो टालमटोल कर रहे हैं और कुछ नहीं। कारण ये तो यही बता पाएंगे अब, जब वो पटवारी का काम नहीं कर रहा है, वो 21 अक्टूबर से उच्च माध्यमिक शिक्षक का काम कर रहा है, तो उसका वेतन देना चाहिए। तुम पटवारी का क्यों दे रहे भैया? है उसका तुम जो काम नहीं कर रहा है, उसका इंक्रीमेंट तुम जुलाई में लगा दिया। उसका नाम बता दें क्या? रवि प्रताप सिंह भदौरिया, मैं उनके पिताजी अमन कुमार से बोल रहा हूँ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सुप्रीम पावर न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सुप्रीम पावर न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।